दिखाती हूँ 1 BHK का सैंपल फ्लैट। वाओ अमृता जी, क्या चीज दिखा रहे हो आज आप हमें? बहुत अच्छी चीज दिखाने वाली हूँ मैं आपको, और आप देख के बहुत खुश हो जाएंगे। इतना बड़ा इसका लिविंग रूम है सैंपल फ्लैट का, ये क्या 1 BHK का है? हाँ जी, ये 1 BHK का है। आपको वैसे ऐसे ही 1 RK 2 BHK का भी मिल जाएगा दोस्तों। यस दोस्तों, यहाँ पर आपको रेडी टू मूव 1 RK और 1 BHK का रेडी टू मूव है। 2 BHK का सामने जो बिल्डिंग बन रहा है वहां पर, ठीक है, वहां पर आपको 2 BHK का मिलेगा। वो ग्राउंड प्लस 14 माले का बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस 7 माले का बिल्डिंग है। yes. और 2 BHK का आपको 18 महीने में रेडी होके मिल जाएगा। 1 BHK 1 RK इसमें रेडी टू मूव है, मतलब 2-3 महीने के अंदर पोजीशन है। yes, 3 महीने के अंदर इसमें आपको पोजीशन, हाँ 3 महीने में आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा। और बहुत ही रिजनेबल ये फ्लैट है, बहुत सस्ता है। आप प्राइस बताएंगे दोस्तों? आप लगे रहिए हमारे साथ वीडियो में, कल्पना नहीं कर सकते। नायगांव में सबसे सस्ता फ्लैट यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों काफी सस्ता। तो ये हमारा आपने बड़ा लिविंग हॉल देखा, ये हमारा लिविंग हॉल हमने देख लिया है। तो ये हमने लिविंग रूम देख लिया है। तो हमारे पास जो 1 RK का जो कारपेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 RK का कारपेट है 230 से चालू होता है हमारा। 1 RK का कारपेट पता है दोस्तों कितना होएगा? 230 से इसका, और बड़ा कारपेट जो है 230 से 301 का 1 RK का कारपेट है। यानी मीडियम साइज से सबसे बड़ा कारपेट हमारे पास अवेलेबल है 1 RK में। 1 BHK में जो कारपेट अवेलेबल है 360 से यूजेबल कारपेट, 360 से 418 का 1 BHK का कारपेट हमारे पास अवेलेबल है। और 2 BHK हॉल किचन का जो कारपेट हमारे पास अवेलेबल है वो है 570 से लेकर, सॉरी 2 BHK का हमारे पास एक ही कारपेट है वो है 570 का दोस्तों। दोस्तों इसका प्राइस बताओ। तो दोस्तों आप लोगों ने गैस किया कि क्या प्राइस रहेगा? तो दोस्तों मैं आपको प्राइस बता दूं, 1 RK का प्राइस रहेगा दोस्तों 17,500। ओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेस्ट प्राइस है। और 1 BHK का? और दोस्तों 1 BHK का प्राइस रहेगा 26,500। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और 2 BHK हॉल किचन का? 2 BHK का प्राइस है 45,500। यस दोस्तों, और ये नेगोशिएबल है। 1 RK का जो प्राइस है वो भी नेगोशिएबल है। 2 BHK हॉल किचन का प्राइस, सॉरी 1 BHK हॉल किचन का प्राइस है वो भी नेगोशिएबल है। और 2 BHK हॉल किचन का जो प्राइस है वो भी नेगोशिएबल है। प्राइस हम एक्चुअली बहुत सारे वीडियो में नहीं बताते हैं क्योंकि प्राइस को लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में प्राइस आपको डिस्क्लोज कर दिया है। ये प्राइस फिलहाल अभी के लिए और अभी से लेकर कुछ दिनों के लिए दोस्तों। अगर आप ज़्यादा लेट करते हैं वीडियो देखकर आने के लिए तो प्राइस बढ़ सकता है, क्योंकि हर 6 महीने में प्राइस बढ़ता है। yes. लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जो हमने प्राइस आपको बताया है वो प्राइस से कम में देने का वादा हम आपको करते हैं। लेकिन तो कब, ये वीडियो का आप डेट देख लीजिए YouTube में, ठीक है, YouTube या Facebook में आपको वीडियो का डेट दिखाई देगा, उस डेट से प्राइस लेकिन आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो भी ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। आप इसको लेकर तुरंत इसका पोजीशन होने वाला है 3-4 महीने के अंदर। yes. आप इसको रेंट पे दे सकते हो। फिलहाल ये जो हम लोग स्टार्ट किया था 1 BHK हॉल किचन का जो रूम दिखाना, ये हमने लिविंग रूम देख लिया है। अभी हम देखते हैं अगला क्या दिखा रहे हैं, किचन। ये आपकी फैमिली की लेडीज लोग के लिए किचन। हाँ, ये काफी बड़ा किचन है, आप देख सकते हो कितना बड़ा स्पेसेज है। यहाँ पर भी कितना बड़ा जगह है। ये बोलते लोग ये सोचते कि सस्ता है, इसका मतलब स्पेस में कॉम्प्रोमाइज होगा, जगह कम रहेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो अमृता जी के यहाँ पर दोनों तरफ कितना पैसेज है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है बालकनी, मिल जाता है, कोई बात नहीं, खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको मिल जाता है बालकनी, आपको मिल जाता है मॉडुलर किचन, मॉड्यूलर ट्रॉली आपको मिल जाता है यहाँ पर। ये दोनों साइड में आपको इसमें मॉड्यूलर ट्रॉली मिल जाएगा, और ऊपर का ये आपको एक केबिन मिल जाएगा, सिर्फ ये केबिन, ये नहीं मिलेगा, ये वाला केबिन मिल जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा। तो देखा दोस्तों आपने कितना अच्छा ये किचन है, पैसेज बहुत सारा है यहाँ पर। और किचन से हमें यहाँ से दिखाई देते हैं हमारा लिविंग रूम दोस्तों। यहाँ से आप लिविंग रूम देख सकते हैं, हॉल देख सकते हैं, जहाँ से अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर बालकनी हमें दिखाई देता है। किचन के बाद में अमृता जी हमको क्या दिखाने वाली है देख लेते हैं। हमें देखने को मिलता है बेडरूम जो कि स्पेशियस है, पर्सनल है, और हमें मिल जाता है इंटरकनेक्टेड बालकनी, जो अभी हम आपको बालकनी भी दिखाने वाले हैं थोड़े समय में।
तो ये देखिए दोस्तों, काफी बड़ा स्पेस वाला बेडरूम मिल रहा है आप लोगों को। अब वार्डरोब आपको मिल नहीं रहा है, ये वार्डरोब यहाँ पर दिया गया है, ये फर्नीचर सिर्फ सैंपल के लिए है, ठीक है दोस्तों। ये वार्डरोब, ये फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा, ये शो फ्लैट है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा बेडरूम। आगे आगे हम चलते हैं बालकनी की तरफ। बालकनी से पहले अंदर का देख लेते हैं। हाँ, ये हमारा आ गया है टॉयलेट, ठीक है। टॉयलेट में आप देख सकते हो वेंटिलेशन है, टाइल्स है फुल, ठीक है। और सरप्राइजिंगली ये है इसके साथ में कि इसका जो बाथरूम है वो टॉयलेट से अलग है दोस्तों। अगर आपका फैमिली बड़ा है तो उसमें आपका मतलब कोई भी बिजी नहीं होगा। अगर आपको नहाना है तो आप नहा सकते हो आराम से, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम जा सकते हो। आपके फैमिली में से कि जिनको वॉशरूम जाना है वॉशरूम जा सकते हो, जिनको नहाना है वो नहा सकते हैं, और मतलब कोई भी चीज़ बिजी नहीं रहेगा। और आप लोग इस मतलब भाग दौड़ की दुनिया में आगे निकल सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाता है ऊपर पानी का दोनों टाकी का स्पेस, दोनों तरफ मिल जाता है दोस्तों आप लोगों को। हाँ, तो ये जो लोकेशन के बात करते हैं हम लोग, लोकेशन इसका है नायगांव स्टेशन से अपना 3 किलोमीटर के आसपास है, और वसई स्टेशन से 2.5 किलोमीटर है, ठीक है। तो नायगांव स्टेशन से या तो वसई स्टेशन से हमारा पिकअप ड्रॉप है। आप आने से पहले हमें कॉल कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। तो आइए, अमृता जी हमको बालकनी दिखाने वाली थी, हम लोग वो बालकनी देख लेते हैं। रोड टच प्रॉपर्टी है ये, हमारा आ जाता है बालकनी। बालकनी का ये स्पेस, ये स्लाइडिंग विंडो है, ये बालकनी का आप स्पेस देख सकते हो। कम से कम मेरे ख्याल से 2.5 फीट तो है, लेकिन मुझे अंदाजा लग रहा है कि ये 3 फीट का भी हो सकता है, ठीक है। 3 फीट का है, कंफर्म? ओके, 3 फीट का आपको बालकनी मिलता है। 3 फुट बाय ये कितना होगा, 25? उससे भी ज्यादा होगा ना मेरे ख्याल से, उससे भी ज्यादा है। हाँ, उससे ज्यादा ये है। तो यहाँ हमारा लिविंग रूम देख लिया, हाँ ये आप देख सकते हैं। नीचे रोड है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डायरेक्ट इस रोड पे शेयरिंग रिक्शा आने जाने के लिए, और आपको मिल जाएगा बस, जो नायगांव से जो बस निकलता है शेयरिंग बस, वो भी आपको मिल जाएगा। वो आपको यहीं पर बिल्डिंग के नीचे आपको ड्रॉप करेगा, और शेयरिंग रिक्शा भी आपको यहीं पर ड्रॉप करेगा। ये रहा आपका किचन, ठीक है। इस किचन एरिया से आपके घर में जो लेडीज है वो इसको ओपन करके अपना मतलब उनको टाइम स्पेंड कर सकती है, किचन में अपने काम को कर सकती है। उनको बाहर का अच्छा नज़ारा भी देखने को मिलेगा, अच्छा एयर वेंटिलेशन आएगा, और रोशनी भी आ रही है। देखो ये है रोशनी, ठीक है, यहाँ पर उनको अच्छा रोशनी भी मिल जाएगा। तो ये हमारा था बेडरूम, और वो हमारा था किचन, और हमने एंट्री किया था लिविंग रूम से दोस्तों। तो ये है हमारा रोड वसई जाने के लिए। ऑलरेडी यहाँ पर हर एक चीज़ का आपको दुकान मिल जाएगा, जैसा ग्रोसरी शॉप है यहाँ पर अवेलेबल है, और अपना बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल है, ठीक है। मेडिकल और क्लिनिक सब 0.5 किलोमीटर के अंदर है, और स्कूल है, स्कूल बस भी यहाँ पर आता है दोस्तों। और फ्लैट बहुत ही बजट वाला है, 1 आर के हम आपको दे रहे हैं 17.5 लाख, ठीक है। 1 BHK दे रहे हैं आपको 26.5 लाख, और 2 बेडरूम हॉल किचन दे रहे हैं हम लोग आपको 42 लाख के अंदर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो रेट है हमने बताया, लेकिन ये रेट नेगोशिएबल है। जब आप बुकिंग करने को आओगे तो स्पॉट बुकिंग पे भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट और ऑफर दिया जाएगा दोस्तों। यस, और ये जो बिल्डिंग है रेडी टू मूव है, 3-4 महीने के अंदर इसका पोजिशन है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में लेना है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल जिस बिल्डिंग, जिस प्रोजेक्ट, अभी जिस फ्लैट का हमने जो सैंपल का वीडियो बनाया, ये G+7 माले का बिल्डिंग है। रूफ टॉप में इसका एमिनिटीज दिया गया है, और इसके सामने हमारा दूसरा बिल्डिंग बन रहा है जो कि 18 महीने में उसका पोजिशन है। 2 बेडरूम उसमें 1 BHK और 2 BHK उसमें अवेलेबल है, लेकिन 2 BHK उसी में ही अवेलेबल है, और बहुत सारे एमिनिटीज दिया गया है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट करने के लिए और फर्स्ट होम के लिए बहुत ही बेस्ट ऑफर है, बेस्ट प्रोजेक्ट है। इस ऑफर को, इस प्रोजेक्ट को आप बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिए। साइट विजिट कीजिए, और आपको सिर्फ 10% डाउन पेमेंट करना है, ठीक है। 10% आप डाउन पेमेंट कीजिए, बाकी हम आपका बैंक लोन कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको 95% तक भी लोन मिल सकता है दोस्तों। बुकिंग अमाउंट जो भी रहेगा आपको काउंटर में बताया जाएगा, लेकिन मैं समझता बुकिंग अमाउंट 51,000 आप लेके चलिए, कि आप इतना बुकिंग अमाउंट को देके बुक कर दीजिए। बुक होने के बाद में आपको हम लोग आपका
फाइल डाल देंगे लोन के लिए, लोन का सैंक्शन जब आ जाएगा तब आप डाउन पेमेंट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि डाउन पेमेंट करने के बाद पता चला आपका लोन का सैंक्शन नहीं आया, फिर पैसा वहाँ से वापस रिटर्न लो, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन कैसा टाइम वेस्ट हो जाता है और थोड़ा सा आपको भी और बिल्डर को भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बुकिंग अमाउंट डालेंगे। हम आपको सजेस्ट देते हैं कि आप सिर्फ बुकिंग अमाउंट डालो, डाउन पेमेंट मत करो। फिर बुकिंग अमाउंट डालने के बाद लोन वाला जो बैंकिंग वाला है वो 7 दिन बोलते हैं लेकिन 15 दिन से 1 महीना तक वो खींचता है, तो आपके पास 1 महीने का टाइम बचेगा कि आप डाउन पेमेंट का अरेंजमेंट करें दोस्तों, जब तक आपका लोन होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और जल्द से जल्द आके साइट को विजिट कीजिए। अगर यहाँ तक देख लिया इसका मतलब पूरा ही देख लिया है, ठीक है दोस्तों। अब अमृता अपने बारे में जानकारी देगी, फिर मैं अपने बारे में जानकारी देंगे और हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। मैं हूँ अमृता, ड्रीम प्रॉपर्टी 99 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ सूरज शर्मा और मैं भी आपका ड्रीम प्रॉपर्टी 99 में स्वागत करते हैं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, टेक केयर, बाय 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 बाय।